मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोवंश पर लंपी वायरस के खतरे को देखते हुए वृहद टीकाकरण अभियान तथा अंतर्राज्यीय पशु परिवहन पर रोक लगाने के दिए निर्देश। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने राजधानी लखनऊ से जुड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात के सुचारू संचालन और शहर में ई रिक्शों के रूट निर्धारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री धर्मपाल ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। पार्टी मुख्यालय में प्रदेश भर के पदाधिकारियों, सांसदों और मंत्रियों के साथ कर रहे हैं बैठक। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय में बीटेक की छात्राओं के लिए 25 और 26 अगस्त को कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया जाएगा। 2023 बैच की छात्राओं को ही इसमें प्रतिभाग करने का मिलेगा मौका। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोविड से बचाव के लिए 2 करोड़ से अधिक एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से हासिल हुई है। उन्होंने 18 से 59 आयु वर्ग के सभी पात्र लोगों से एहतियाती टीका लगवाने की अपील की। राज्य में 15 जुलाई से 30 सितम्बर तक 75 दिनों का विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत सरकारी टीकाकरण केन्द्रों पर एहतियाती टीके निःशुल्क लगाए जा रहे हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं।